कल से मध्य प्रदेश में 18 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन होगा। सीएम ने सोमवार को हाई लेवल मीटिंग में फैसला लिया है। 18 से 44 साल तक के लोगों को इसका टीका लगेगा। एमपी में 1,48,000 डोज का कार्यक्रम तय हुआ है। प्रदेश में 5,29,00,000 डोज की जरूरत है। कोविशील्ड के 45,00,000, कोवैक्सीन के 10,00,000 डोज के ऑर्डर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 18 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन कल से एमपी में शुरू हो जाएगा। जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, 1 मई से शुरू होने वाला था ये अभियान, लेकिन वैक्सीन न पहुंचने की वजह से नहीं हो पाया। कल से अब इस अभियान की शुरुआत होगी, कैसी तैयारी आपको एमपी में नजर आ रही है? क्योंकि एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी रहने वाला है कि किस तरीके से 18 प्लस लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए तैयारियां काफी जोरों से हो चुकी है, क्योंकि 5 मई से वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारियां हैं जो की जा रही थी, ये तैयारियां पहले से की जा चुकी थी 27 और 28 तारीख से, क्योंकि कहा गया था कि 1 तारीख से इंजेक्शन लगेगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं लग पाता। 5,29,00,000 की जो डोज है वो मध्य प्रदेश में पहुंचना बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द डोजेस मिल जाएंगी, और 10 लाख की डोजेस हैं जो कोविशील्ड की 45,00,000 है, और वो वैक्सीन के 10 लाख जो डोजेस हैं वो मध्य प्रदेश को मिलेंगे, और यही इंजेक्शन अब लोगों को लगेंगे 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल एक मीटिंग की थी, उसमें ये फैसला लिया था, जिसमें कहा गया था कि अब सोमवार से माफी दिया 5 तारीख से जो डोजेस हैं वो लोगों को लगना शुरू होंगे, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर जो जिलेवार हैं वहां पर इसकी व्यवस्था की जाएगी, साथ ही जिलेवार के अलावा हर जगहों पर जो स्थिति है वो इसी तरह की रहेगी, और इसके साथ ही जो पत्रकार है उनके लिए भी अलग से टैक्स बनाई जाएगी। तो देखिए पूरी तैयारियां की जा चुकी है, कोविशील्ड के 45,00,000 डोज है और कोवैक्सीन के 10,00,000 डोज के जो पहुंचने की तैयारियां हैं वो मध्य प्रदेश में की जा रही है, और कल से लगभग ये माना जा रहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं अब उन्हें वैक्सीनेशन किया जाएगा। ठीक है जितेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, जानकारी लेंगे आपसे आगे।